Hi guys, welcome back to my channel. Thank you so much for your love and support that you are continuously giving me. And do check my Instagram ID. I'll mention it in the description box. And आज हम बनाने जा रहे हैं धनिया पंजीरी. It's really famous and आप ज़रूर अपने घर पे ट्राई करिएगा. It's very delicious. गरम गरम से खाइएगा. So चलिए अब बनाते हैं हमारी धनिया पंजीरी. Let's get into the video. धनिया पंजीरी बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे एक कटोरी धनिया, मखाने, किशमिश, चिरौंजी, काजू और बादाम. कढ़ाई में एक चम्मच घी डालकर देसी घी डालिएगा. अगर आपके घर में गाय का देसी घी है तो वो ज़रूर डालिएगा. गाय के देसी घी से ये और ज़्यादा टेस्टी बनता है. अगर नॉर्मल देसी घी है, दूसरा कोई देसी घी है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. पहले हम यहाँ सारे ड्राई फ्रूट्स, बादाम और काजू को रोस्ट कर लेंगे अच्छे से. इसको हम अच्छे से भून लेंगे करीबन 2 से 3 मिनट तक. जैसे ये कलर चेंज हो जाएगा, इनका थोड़ा सा गोल्डन कलर हो जाएगा, आप एक प्लेट में इन्हें निकाल लीजिएगा. इसी सेम कढ़ाई में हम बाकी ड्राई फ्रूट भी भूनेंगे. अब हम यहाँ लेंगे किशमिश. किशमिश ज़्यादा देर मत रखिएगा, 1 मिनट में, 1 मिनट काफ़ी है. सेम कढ़ाई में घी और मत डालिएगा. यहाँ हमने किशमिश भी अलग कर ली. अब हम और ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे. मैंने अलग अलग ड्राई फ्रूट्स को इसलिए भूना है क्योंकि जैसे कि किशमिश बहुत जल्दी बर्न ना हो जाए और मखाने भी बहुत जल्दी हो जाते हैं रोज़. बादाम और काजू को हल्का 1 मिनट और करना होता है, तो इसलिए मैंने अलग अलग इन सबको भूना है. यहाँ हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स भून चुके हैं. अब हम इस मेथी दाने को पीस लेंगे. पाउडर फॉर्म करना है आपको. मैंने यहाँ यूज़ किया है भूरा चीनी का भूरा. साबुत चीनी नहीं ली है. अगर आपके पास साबुत चीनी है तो आप उसको पीस सकते हैं मिक्सी में. 1 चम्मच देसी घी, गाय का देसी घी डाला. उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पूरा धनिया पाउडर डाल दिया है. अच्छे से इसको भून लेंगे. मिनिमम 2 मिनट्स भूनने के बाद यहाँ पे हमने चीनी का भूरा डाल दिया है. दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे. आप एक बार ये डिश ज़रूर ट्राई करिएगा. ये बेसिकली कृष्ण जी के लिए बनाया जाता है, कृष्ण जी को भोग लगाने के लिए बनाया जाता है, लेकिन आप ऐसे भी खा सकते हैं इसको. सारे ड्राई फ्रूट जो भी हमने भूने थे उसको आप मिक्स के साथ मिक्स कर लेंगे. बहुत ही टेस्टी बनती है ये. इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी. बहुत टेस्टी बनता है ये. ज़रूर आप एक बार ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी. अच्छे से सब कुछ मिक्स करने के बाद आप इसको सर्व करिए. गरम गरम खाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.